हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपने पालक की तो बहुत सारी रेसिपी खाई होगी, पालक की सब्जी खाई है, पालक की कचौड़ी खाई है। आज मैं आपके लिए पालक की पूड़ी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। इसे हम दाल के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 100 ग्राम पालक ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और हम कोई भी पैन लेंगे और उसमें मैंने 1.5 ग्लास पानी डाला और आधा चम्मच नमक डालूंगी। और उसमें पालक के पत्ते डालकर किसी भी ढक्कन से ढककर लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। पालक हमारे पक चुके हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। पक चुके हैं, हम फ्लेम को बंद कर देंगे और पालक के पत्तों को किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, आराम से इसे निकाल लिए। हम इसे अच्छे ठंडे पानी से इसे धुल देंगे, जिससे इसका कलर बरकरार रहे। अभी मैंने धो दिया था, अब ये ठंडा भी हो चुका है। तो हम इसे किसी भी जार में डाल करके इसे पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। पहले हम इसे ऐसे ही पीसेंगे, फिर थोड़ा सा हम इसमें पानी डालकर और अच्छे से 1 मिनट तक पीस लेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा महीन पेस्ट तैयार हो जाए। ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। हम इसे किसी भी बाउल में निकाल लेंगे चारों तरफ से। इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है, पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम पूरी का आटा लगाते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट मिलाएंगे। हमने इसमें 1 बड़े चम्मच सूजी मिलाया। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी सौंफ, आधी चम्मच अजवाइन, इसको क्रश करके डालेंगे। और 1 चम्मच जीरा। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। हम अपने पालक का पेस्ट इसमें मिलाएंगे। ध्यान रहे, अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि पालक का पेस्ट भी गीला है। पहले हम इसे इसी तरह से आटा लगाएंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तभी हम पानी डालेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो पानी नहीं डालेंगे। हमें हाथों की मदद से धीरे धीरे करके इसे अच्छी तरह से आटा गूंथना है और हमें टाइट आटा लगाना है। तो मैंने अच्छी तरह से आटा गूंथ लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी हम डालेंगे। क्योंकि हमें आटा टाइट लगाना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरह से प्रेस करके आटा लगाना है, जिससे हमारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बने। मैंने आटा लगा लिया है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। किसी भी ढक्कन से ढक करके इस तरह से
अपन 10 से 20 मिनट हो गए हैं, हम इसे दो से तीन मिनट तक और गूंथेंगे। अगर हमारा आटा अच्छी तरह से लग जाएगा तभी हमारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी और फूलेंगी भी। हम इसे चेक कर लेंगे, हम गोल गोल बना करके देखेंगे, लोई फट रही है मतलब ये आटा, और थोड़ा सा हम गूंथेंगे। अच्छी तरह से हमें अंगूठे की मदद से ब्रश करके आटा लगाना है। अब हमारा आटा लगभग पूड़ियों के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम कोई भी कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें तेल डालकर गरम होने मैंने रख दिया है। अब मैं इस तरह से लोई छोटी छोटी बना लूँगी। अगर आप चाहे तो बड़ी लोई बनाकर बड़ी पूड़ी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा तेल दोनों लोई के साइड में लगाया। मैं बेलन में भी थोड़ा सा तेल लगाऊंगी जिससे आटा मेरा बेलन में चिपके नहीं, और धीरे धीरे किनारे से मैं इसे बेलूंगी। पूड़ी को मैंने बेल लिया है, इस तरह से मैं 5-6 पूड़ियाँ बेल कर रख लूँगी। ये मैं एक एक पूड़ी बना करके शूट नहीं कर पा रही, इसलिए मैंने 5-6 पूड़ियाँ बेल करके मैं आपको दिखाने के लिए, आप एक एक पूड़ी बेलें और सेकेंगे तो आपकी पूड़ी बहुत अच्छी तरह से फूलेगी। अब हमारा तेल भी लगभग गर्म हो चुका है, मैं इसमें पूड़ी डालूँगी। मैं पूड़ी सेकने का भी आपको बताती हूँ, आपको पूड़ी कैसे सेकना है। अगर आप इस तरह से पूड़ी सेकेंगे तो आपकी पूड़ी नहीं फूलेगी। मैंने इसको डाला है तो मैं इसे तल करके निकाल लूँगी। हमें फ्लेम को हाई रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा। हमने पूड़ी डाली और इस तरह से किनारे से इसे करछी की मदद से ब्रश करना है, तभी हमारी पूड़ी फूलेगी। और हम साइड से गर्म तेल जो है पूड़ी के ऊपर डालेंगे। और फिर मैंने पूड़ी को पलट दिया, थोड़ा सा ब्रश करके रखा है जिससे दूसरे साइड भी पूरी अच्छी तरह से फूल जाए। इस तरह से हम सारी पूड़ियाँ तल करके निकाल लेंगे। अगर हम अच्छी तरह से पूड़ी को प्रेस करके नहीं करेंगे, तलेंगे, तो हमारी पूड़ी देखिए नहीं फूल रही है। देखिए ये पूड़ी फूली। इस तरह से हमारी पालक पूड़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आप पूड़ी को चाहे तो दाल के साथ खाएं, सब्जी के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ खाएं। मैं आपको पूरी तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और अच्छी पूरी बनी है। अगर आपको भी पूरी खाना पसंद है तो इस तरह से पालक पूरी बनाकर आप जरूर खाएं, जो कि बहुत हेल्दी होती है। और अगर आप डीप फ्राई नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से पराठा बेल करके थोड़ा सा तेल या घी लगा करके सेक करके खा सकते हैं। लगे अगर आपको पालक पूरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।